और चाहिए। ओके सो यहाँ पे करो। जी 8 वॉट मीन्स आंसर हाउस, यहाँ पे हेयर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। डॉइच स्प्रेस डू डॉइच, डू यू स्पीक जर्मन, डॉइचलैंड जर्मनी के लिए, इंग्लिश इज स्प्रेस इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश, ठीक है। और इन मीन्स इन मैं, ठीक है, किसी चीज के अंदर होना। एयर लेफ्ट इन फ्रैंकफर्ट, ही लिव्स इन फ्रैंकफर्ट। कॉमन, वो हेयर कॉम्स टू टू कम फ्रॉम, वे डू यू कम फ्रॉम, ठीक है। डेयर गाइजे फ्यूर मीन्स ट्रेवलिंग गाइड, ट्रेवल गाइड, ठीक है। स्पानिश स्पेनिश, एक्सप्रेशन टू स्पीक, दस टेलीफोन टेलीफोन, वेल्शे वेल्शेस मीन्स विच, वो मीन्स वेयर, वो हेयर मीन्स फ्रॉम वेयर, या फिर वेयर फ्रॉम। वोनन टू लिव, जी दस इज आना, जी वॉन्ट इन बर्लिन, ठीक है। एयर मीन्स ही, एरगानसन टू कंप्लीट या फिर टू फिल। और दी हाउस टू मै हाउस नंबर, दी पोस्ट लाइट साल मीन्स जिप कोड या पोस्टल कोड, दी वेब जाइटे वेबसाइट, दस इंटरव्यू इंटरव्यू, नोटियरन टू नोट, ठीक है, या फिर टू नोट डाउन, ठीक है। दे पार्टनर मेल के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। दी पार्टनरिन फीमेल पार्टनर के लिए, गार्टन मीन्स टू गेस, ठीक है। ये जरा लिखें अपने पास, ठीक है, और जब आप ये लिख चुके हो तो फिर मुझे बताइएगा ताकि हम अपनी कोर्स बुक की तरफ आए। एक मिनट जरा। और फोर स्टेलन मीन्स टू इंट्रोड्यूस, ठीक है। वो और वो हेयर, ठीक है, इसका इस्तेमाल। इश बिन एमा राइटर उंट, यहाँ पे क्या होगा, वेयर वी वो या फिर वो हेयर। वेयर जेशुम वेयर उंट जिंसी जेंट जी, इश बिन इज बिन बेटा म्यूलर, इश वोन इन जाल्सबुर्ग, और यहाँ पे वो वनन्सी, ठीक है। आउफ इन जाल्सबुर्ग, इश बिन पेटर, वी हाइज टू हाइज टू क्लाउडिया, और यहाँ पे वो हेयर कॉम्स वो हेयर कॉम वो हेयर कॉम्स डू हाउस डॉयचलैंड, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे तीन सवाल होंगे, ठीक है, आप उसको सुनेंगे, ठीक है, उन तीन सवालों के जवाब जो है ना वो बस आपने लिखने, ठीक है। शुड आई प्ले द ऑडियो? डन। Aufgabe 4c. Fragen. 1.
Mein Name ist Emma Reiter. Und wie heißen Sie? 2. Ich komme aus Deutschland. Woher kommen Sie? 3. Ich wohne in Hamburg. Und Sie? So, इसमें क्या था कि पहले जो है वो अपने बारे में बताते हैं, then they ask the question to you, ठीक है, वो आपसे सवाल पूछते हैं, तो वो आपने अपनी डिटेल जो है ना वो लिखनी है, ठीक है, मैं ये दोबारा प्ले कर रहा हूँ, इसको सुने. Aufgabe 4c. Fragen. 1. Mein Name ist Emma Reiter. Und wie heißen Sie? 2. Ich komme aus Deutschland. Woher kommen Sie? 3. Ich wohne in Hamburg. Und Sie? Aufgabe 4c. Fragen. 1. Mein Name ist Emma Reiter. Und wie heißen Sie? 2. Ich komme aus Deutschland. Woher kommen Sie? 3. Ich wohne in Hamburg. Und Sie? जी, सो आप लोगों ने आंसर्स लिखे. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है. अच्छा एक मिनट जरा यहाँ पे. जो कल जो मैंने आप लोगों को पर्सनल प्रोनाउन वाली जो है वो एक्सप्लेनेशन जो दी थी वो मैं एक दफा दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है. ऑलराइट. अच्छा मेरी तरफ से शोर तो नहीं आ रहा आप लोगों को? नहीं. ओके. तो यहाँ पे अपने पास जो है वो एक हेडिंग डालें, वेब नॉन पर्सनल प्रोनोमन, ठीक है. तो यहाँ पे आपके पास पर्सनल प्रोनाउन जो है, सिर्फ एक मिनट जरा रुकिएगा, ठीक है, सिर्फ एक मिनट दे मुझे, मैं आ रहा हूँ. ये वाला कल का होमवर्क था. ओके हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी. ओके, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन्स. आप जर्मन में इश जो है वो इस्तेमाल करते हैं आई के लिए, मतलब मैं, ठीक है. यू इनफॉर्मल के लिए आप इस्तेमाल करते हैं दू, मींस तुम, ठीक है. ही शी इट, ये के लिए उर्दू में हम ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. ही शी इट, ही के लिए आप एयर इस्तेमाल करते हैं, जी के लिए शी जो है वो आप, शी के लिए आप जी, और इट के लिए आप एस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. और यू फॉर्मल जो है, ठीक है, उसके लिए भी आप जी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. अच्छा जी, सो अब यहाँ पे ये दो तरह के जी हो गए, ठीक है. हमें कैसे पता चलेगा कि जी इनके दरमियान डिफरेंशिएट कैसे किया जाए, ठीक है, मतलब ये वर्ब की कॉन्जुगेशन से हमें पता चलेगा, ठीक है. जब आपके पास जो है ये एक वर्ब है, ठीक है, ये आपके पास इन्फिनिटिव फॉर्म में है, ठीक है, हाइसन, ठीक है.
सो जब आप इसको कॉन्जुगेट करते हैं तो इश हाई से आप जो है वो इश हाई से एन हटा देंगे, ठीक है। और जब आप दू के लिए कॉन्जुगेट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप इसमें टी रखते हैं, ठीक है। एयरजी एस के लिए जो है इसमें सिर्फ उसे ई एन हटा के सिर्फ टी रखते हैं आप, ठीक है। और जी फॉर्मल जो है उसमें आप सिंपली वही कॉन्जुगेशन जो इन्फिनेटिव फॉर्म वाली ही रखेंगे, ठीक है। फॉर इंस्टेंस इश हाइस तलहा, दू हाइस अली, एयर ही एयर हाइस्त अजीम, और जी हाइस्त रिफत, ठीक है। ये आपके पास एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। और ये नेक्स्ट वर्ब जो है जाइन, ठीक है, टू बी हम इसको अंग्रेजी में कहेंगे और उर्दू में आप वू कह रहे हैं, ए वाओ, ठीक है, ठीक है। सो और इश, इश के लिए आप बिन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। दू के लिए आप बिस्त इस्तेमाल करेंगे, एयर जी एस के लिए इस्त, और जी के लिए आप जिंट, ठीक है, जिंट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इश बिन तलहा, दू बिस्त अली, एयर इस्त अजीम, जी इस्त रिफत, और जी जी जिन हेयर वहीद, ठीक है। ऑल राइट, सो इसी तरह से हमारे पास ये दो और वर्ब्स हैं, ठीक है, वोनन और कॉमन, ठीक है। इश वोने, ठीक है, सेम एग्जैक्ट इसी तरह से हमने एन हटा दिया। डू वॉन्स, यहाँ पे हमने एस टी का इजाफा किया, ठीक है। एयर जी एस, ही शी इट वॉन्ट, एस हटा दिया यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर में। जी फॉर्मल, ठीक है, वोनन, सेम वही इन्फिनेटिव फॉर्म वाली जो है वो हम यहाँ पे रखेंगे, कॉन्जुगेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कॉमन टू कम, इश कॉमे, दू कॉम्स्ट, एयर जी एस कॉम्प्ट, जी कॉमन, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, अच्छा देखें, अब ये चीज जो लिखी हुई है यहाँ पे कि जी सब्जेक्ट इज फर्स्ट एंड वर्ब, अच्छा यहाँ पे जो है जब आप सेंटेंस लिख रहे होते हैं, ठीक है, तब आप सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट प्लेस पे डालते हैं, ठीक है, इश, ठीक है, और सेकंड प्लेस पे आपका वर्ब होगा, ठीक है, दैट्स इट। ये चीज आपने इसका ख्याल रखना, ठीक है, फर्स्ट प्लेस पे आपका सब्जेक्ट और सेकंड प्लेस पे आपका वर्ब, और वर्ब जो है वो कॉन्जुगेटेड फॉर्म में होना चाहिए ऑन बिहाफ ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। जो सब्जेक्ट है आपने उस हिसाब से वर्ब को कॉन्जुगेट करके लिखना है, ठीक है। अच्छा जी, सो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं एक तरह से डिफरेंशिएट करने के लिए। जी हाइसन हियर वहीद मींस यू आर कॉल्ड वहीद, ठीक है, मिस्टर वहीद, ठीक है। और जी हाइस्त फ्राउ आयशा, ठीक है, शी इज कॉल्ड आयशा, आयशा बीबी, ठीक है, मिसेस आयशा या आयशा बीबी कह लें, ठीक है। और जी वॉन्ट, ठीक है, शी, अब ये यहाँ पे जिस तरह से हम अंग्रेजी में जो है उर्दू में भी और अंग्रेजी में भी हम करते हैं कि अगर एक दफा हमने नाम लिख लिया है तो उसके बाद जो है वो हम उसका पर्सनल प्रोनाउन जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी डॉट लगा के सेंटेंस खत्म हुआ। अब आपने दोबारा से जो है वो फ्राउ आयशा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली उनका पर्सनल प्रोनाउन जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे ये जी जो है ये फ्राउ आयशा के लिए है, ठीक है, जी वॉन्ट इन फैसलाबाद, दस इज जहूर, एयर वॉन्ट इन लाहौर, जहूर जो है वो चूंकि लड़का है तो हम उसके लिए एयर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। एयर कॉम्ट हाउस पाकिस्तान, ठीक है, दस इज अली, एयर वॉन्ट इन कराची, दस इज फ्राउ वीबर, जी कॉम्ट हाउस डॉयचलैंड, जी वॉन्ट इन फ्रैंकफर्ट, ठीक है।
ये टॉपिक क्लियर है अभी? जी. कल हो सकता है कि शायद पॉसिबल है कि थोड़ा सा मैंने जो है ना इसको कंफ्यूजिंग रखा हो, लेकिन आई होप कि अभी जो है जो भी कंफ्यूजन होगी वो अब क्लियर हो चुकी होगी. ठीक है, सो शुड वी मूव फॉरवर्ड? अगर आप लिखना चाहें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बेहतर है कि इसको लिख लें अपने पास. ओके ओके, सो बाकी सब ने भी लिख लिया इसे? जी. जेशो. सो अब जरा हम यहाँ पे देखते हैं. ठीक है, सो ये देखें.